सो गाइस, मैंने मेरे पुराने वीडियो में एक सर्टेन हाइट से जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था उसकी बात कर रही थी। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, लिंक अवेलेबल है। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में देख लें, आपको वीडियो मिल जाएगा और पसंद भी आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, ये वाले केस की बात करेंगे। इसके दो केस होते हैं, फर्स्ट केस ये होता है और दूसरा ये होता है। ये ग्राउंड सर्टेन हाइट से फेंकते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल को, और यहाँ पे ग्राउंड से फेंकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है, सबसे पहले वो बात कर लें। प्रोजेक्टाइल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब हमारी आंखों की जो डायरेक्शन होती है देखने की, उसके वर्टिकली अगर हम लोग नहीं फेंके किसी चीज को और किसी दूसरी डायरेक्शन या उसके साथ कुछ एंगल बनाते हुए फेंके, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए आज हम लोग इसकी बात करते हैं। यहाँ पे कहीं पे हम लोग खड़े हुए हैं, कोई ग्राउंड है और उस ग्राउंड पे खड़े होके हमने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका। अब देखिए, ये हमारी आंख है, तो आंख के पैरेलल जो डायरेक्शन होगी, ये पैरेलल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और हमारी आंखों के नॉर्मल या परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। यहां से हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंका और वो डिस्टेंस इतनी ट्रेवल करने के बाद ग्राउंड पे यहाँ पे आया, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा पार्टिकल का, मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स, और ये जो मैक्सिमम हाइट इसने अटेंड करी है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा वाई। मतलब हम लोगों को इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है सेकंड, एक अप्लाई करेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए और एक अप्लाई करेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। पहले कुछ यहाँ पे बातें कर लेते हैं हम लोग, खास जो इस टॉपिक की मेन पॉइंट से। जैसे अगर आपने यहाँ पे कुछ फेंका, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी और ये वर्टिकल डायरेक्शन थी, आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी, सपोज उसको हमने नाम दिया यू से कुछ ऑब्जेक्ट को फेंका है, तो अब देखिए ये किसी प्लेन में आप फेंक रहे हैं, ना ही एक्स डायरेक्शन में आपने इसको फेंका है, ना ही y डायरेक्शन में फेंका है। तो इसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम यू एक्स से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा। इसको कैसे रिजोल्व करते हैं उसके लिए भी एक वीडियो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस चैप्टर में सीखा होगा। और यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम डिनोट करते हैं यू वाई से, तो वो हो जाएगा यू साइन थीटा। चलिए अब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता करता ग्राउंड पे कहीं किसी दूसरी जगह पे जाता है, पर क्योंकि हमको पता है कि किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो हमारी अर्थ जो है उसको पुल करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चाहे ये जब तक यहाँ पे फ्लाइट करता रहेगा उस केस में ये यहाँ पे मूव होता रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी में अर्थ खींच रही है उसको, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिलरेशन कहते हैं। और वही एक्सिलरेशन को हम नाम क्या देते हैं? जी नाम देते हैं। जी क्यों देते हैं? क्योंकि ये एक्सिलरेशन आया किसकी वजह से आया है? ग्रेविटी के कारण आया है, अर्थ उसको पुल कर रही है। तो यहाँ पे अब एक्सिलरेशन है, तो एक्सिलरेशन के भी कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ए एक्स, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई। अब देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन सीधी हमारी आंखों के नॉर्मल जो रहती है, तो ये किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटी के कारण हो रहा है, तो ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे जी हो जाएगी। अब देखिए, इस डायरेक्शन में हमने फेंका, तो क्या कोई चीज इसको इस डायरेक्शन में खींच रही है? कुछ भी नहीं खींच रहा है, मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो ये दो जो काम है आपको ये खास याद रखना है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रिजोल्व करना है और जो एक्सिलरेशन है उसके दो कंपोनेंट रिजोल्व करवाना है, चाहे ये केस पढ़े चाहे ये केस पढ़े। दोनों में जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है एक्सिलरेशन का वो होता है जी, लेकिन आपको याद रखना है कि इस सर्टेन हाइट से फेंकते हैं तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इस डायरेक्शन में अगर हम लोग थ्रो करते हैं ग्राउंड से तो ये जो जी की वैल्यू होती है ये माइनस होती है, इस चीज का ध्यान रखें। तो चलिए, दोनों में हम लोगों को अप्लाई करना रहती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन है मतलब इधर ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का? वाई है, तो ये यहाँ पे वाई मेंशन किया। वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का यू वाई साथ में टी,
प्लस हाफ ऑफ ए, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ए वाई है एक्सिलरेशन का, टी टाइम है जिसको हम लोग रिजोल्व नहीं कर सकते हैं, कोई कंपोनेंट नहीं होता है इसका वाई। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास एक यू वाई और ए वाई की वैल्यू होती है। यू वाई की वैल्यू देखिए, यू वाई की वैल्यू क्या है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए यू साइन थीटा प्लस, और साथ में इसके साथ आ जाएगा क्या टी आ जाएगा, वन अपॉन टू ए वाई। ए वाई मतलब इस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन, और वो कितना है ये यहाँ पे देखें, ए वाई माइनस जी आ जाएगा यहाँ पे, और साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यू वाई इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं फोर, कौन सा मोशन देखा था आपने, वर्टिकल देखा था, अब कौन सा मोशन देखेंगे, हॉरिजेंटल मोशन देखेंगे। तो हॉरिजेंटल मोशन की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हो गई। हॉरिजेंटल मोशन मतलब ऑब्जेक्ट यहां से कहां गया, इस डायरेक्शन में गया, कितना दूर गया, हॉरिजेंटल एक्स गया, तो ये एक्स हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का, एक्स लगा दीजिए टी लिख दीजिए वन अपॉन टू, एक्सिलरेशन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा एक्स, साथ में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, हमारे पास एक्स की वैल्यू और यू एक्स की वैल्यू है, तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है यू कॉस थीटा, ये हमने सब्सटीट्यूट करी यू कॉस थीटा, साथ में क्या आ गया टी एज इट इज, फिर प्लस है ये प्लस वन अपॉन टू एज इट इज। ए एक्स की वैल्यू देखें तो यहाँ पे देखिए ए एक्स मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन कितना है जीरो, क्योंकि कोई भी चीज इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में नहीं खींच रही है या वेलोसिटी में चेंज नहीं है, उसके कारण नहीं खींच रही है मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो ये टर्म जो है ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, आपके पास बचेगा x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और साथ में क्या आ गया t। हमको वैल्यू फाइंड करनी है t की ताकि ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोग सब्सटीट्यूट करें, तो ये हो जाएगा x, ये आ जाएगा अपॉन में और ये भी आ जाएगा अपॉन में, x सॉरी u एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, ये जो टी की वैल्यू आई है ये सब्सटीट्यूट कर दें इस प्लेस पे, तो जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो आ जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला फ्रॉम इक्वेशन वन, और इसको बोल दिया हम लोगों ने इक्वेशन टू को सिंप्लीफाई करने पे, देखिए वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या है यू और यहाँ पे टी है, तो टी की वैल्यू कितनी लेके आए हो आप एक्स बाय यू, तो ये वैल्यू रखी हम लोगों ने एक्स अपॉन में यू और कॉस थीटा, साथ में इसके क्या है साइन थीटा, तो ये यहाँ पे लिखा हम लोगों ने साइन थीटा माइनस वन अपॉन टू जी, और साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब क्या एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर और साथ में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यू से यू कैंसल, तो जो वाई की वैल्यू बचेगी हमारे पास क्या बचेगी एक्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा टेन थीटा माइनस वन अपॉन टू, या यूं कहें कि जी अपॉन टू और अपॉन में आपके पास क्या है टू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पे बच रहा है एक्स स्क्वेयर। एक हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है फोर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू फोर ए एक्स स्क्वेयर, तो देखें यहाँ पे वाई दिख रहा है आपको और यहाँ पे क्या दिख रहा है एक्स दिख रहा है, मतलब ये जो एक तरीके से इक्वेशन आई है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है अगर उसको ग्राउंड से फेंकें तो जो मोशन होगा उसका वो मोशन कैसा होगा पैराबोलिक होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम है फिजिक्स से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।